HP ने हाल ही में अपना एक नया लैपटॉप HP Dragonfly G4 को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस लैपटॉप को काफी नए तकनीक से तैयार किया गया है। इस लैपटॉप को हाइब्रिड वर्क कल्चर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस लैपटॉप में ऐसी खूबियां भी मौजूद है जो आपकी प्राइवेसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इतना ही नहीं, इस लैपटॉप का डिजाइन भी काफी शानदार और मजबूत दिया गया है। इस लैपटॉप को समुद्र से निकले प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाया गया है और भी बहुत कुछ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HP Dragonfly G4 के फीचर की बात करें तो कंपनी ने इसमें 13.5 इंच का वुक्सगा प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही इसमें आपको 32 GB का रैम, 2 TB की SSD दी गई है। इसके अलावा इस लैपटॉप में आपको इंटेल वी प्रो वेरिएंट का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा प्राइवेसी मोड मिल जाता है। इस फीचर से आपके बगल में बैठा इंसान भी आपके लैपटॉप की स्क्रीन को नहीं देख सकता। साथ ही इसने लैपटॉप में 2 थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट्स, टाइप ए पोर्ट, HDMI नैनो सिम कार्ड स्लॉट के साथ हेडफोन का भी स्लॉट दिया गया है। इसके साथ ही HP Dragonfly 4G में टच स्क्रीन फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें 5 MP कैमरा दिया गया है। इतना ही नहीं, ये लैपटॉप मल्टी कैमरा एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जो कि 5 MP कैमरे के 88 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ वाटर शॉट्स कैप्चर करने की सुविधा और नेचुरल टोन टेक्नोलॉजी मिलती है। तो चलिए अब HP Dragonfly 4G के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि HP Dragonfly G4 लैपटॉप का वजन करीब 1 किलोग्राम से भी कम है। इसमें 90% रिसाइकल मैग्नीशियम यूज किया गया है और DVD में 50% प्लास्टिक कैप्स और स्पीकर में 5% समुद्र से निकले गए प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है। किसी भी तरह के ज्यादा वर्कलोड को पूरा करने के लिए इस लैपटॉप में 13वीं जनरेशन इंटेल कोरेला प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी तरह के वर्कलोड को आसानी से करने में मदद करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने अपने इस लैपटॉप की कीमत 2,20,000 रुपए रखी है। ऐसे में अगर आप भी कोई शानदार लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो HP का ये नया लैपटॉप आपके लिए एक फायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।